अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे का दिन और मैंने संडे के दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज़ मेरी जो ज़बान है ना वो उस पर अल्सर हो गया है। अल्सर मतलब कि जो इन लोगों ने रूट कनाल के लिए डॉक्टर लोग ने जो केमिकल यूज़ किए ना उससे मुझे थोड़ा रिएक्शन हो जाता है, तो उस वजह से जल गई है। ज़्यादा बात कर रही हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है इस वजह से, इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और यहाँ पे मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ, घर में काम ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने सबसे पहले कपड़े वॉश किए और ये वो कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे जो सूख गए, तो मैं उसको घड़ी कर रही हूँ। और कल मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोए थे, ये मैंने हाथ से वॉश किए थे क्योंकि इसमें वाइट कपड़ा भी था, येल्लो कपड़ा भी था और सब फर्स्ट टाइम वॉश कर रही थी, तो मुझे मालूम नहीं था कौन सा कपड़ा कलर छोड़ेगा और कौन सा नहीं, तो मुझे वही चेक करना था। और साथ ही साथ मैं ये घड़ी करके रख दूँगी। और अभी मैंने नए कपड़े और धोने के लिए लगाए हैं, लेकिन वो मैंने सिर्फ अभी शरफ़ डाल के बाल्टी में रखे है। पिल्लो के कवर देख रहे होंगे आप, दो पिल्लो के कवर भी नहीं है, तो उसको भी वॉश करने के लिए मैंने अभी भिगा के रखी हूँ, कल वॉश करूँगी। अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं वो अभी भिगा के रखी और कल क्यों वॉश करूँगी, तो इसलिए क्योंकि पानी अभी फ़िलहाल कम है। मुझे लगा था मैं वॉश कर लूँगी लेकिन नहीं हो पाएगा, आज पानी ख़त्म हो गया तो इसलिए, वरना मैं आज ही वॉश कर देती थी। और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है लेकिन डॉक्टर कॉल करेंगे तब, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ है मुँह में, इसलिए मैं शाम का काम जल्दी पहले ही फारिग कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं क्लिनिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर धूल दपट्टा कुछ ज़्यादा आता है, और ये जब से मैंने ट्रॉली ली है ना तो सारी वाइट चीज़ों पे बहुत खुल के नज़र आने लग जाती है धूल, तो बस मैं वही कर रही हूँ। ये मेरा रोज़ का शाम का काम है, मैं ये ट्रॉली को मतलब ये जो स्टोरेज बॉक्स है वो क्लीन करना, चेयर क्लीन करना, ये रोज़ शाम को मैं झाड़ू मारने से पहले एक बार क्लीन कर लेती हूँ। तो बस ये क्लीन करके मैं अभी झाड़ू मार लूँगी और झाड़ू मारने के बाद मुझे अभी नहाना भी है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है मुँह में सच में। अल्लाह करे बस आज डॉक्टर आ जाए कैसे भी, मैंने कॉल करके उनको बोल दिया है डॉक्टर आके प्लीज़ मेरे मुंह को एक बार चेक कर लीजिए, तो ऐसा है। और आज मुझे बाहर जाना है ज़रा फ्रिज वगैरह चेक करने के लिए, फ्रिज लेने का जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं फ्रिज चेंज करूँगी, तो बस उसी लिए। और यहाँ पर मैं पर्दों को झाड़ रही हूँ, पर्दे ये मोस्टली तभी मैं खोलती हूँ जब मुझे कुछ वीडियो वगैरह शूट करना होता है तब, तो ऐसा है। अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा मुझसे कुछ भी, आगे मोती लगने की वजह से कुछ काट नहीं पाती हूँ, पीछे दांतों में दर्द होने की वजह से कुछ खा नहीं पाती हूँ, खाऊँ तो खाऊँ कैसे। लेकिन फिर भी अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अंडा पाव खाऊँगी, तो मैं यहाँ पर अंडा बनाने आई हूँ। लेकिन आप लोग यकीन मानोगे ये एक अंडा तो मैंने बनाई और इसके साथ मैंने दो पाव खाए थे, और दो पाव खाने के लिए मुझे 35 मिनट्स लगे थे, इतना स्लो और इतना सतर्क होकर मैंने खाया ये अंडा पाव। अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब। ये वही कुर्ती है जो मैंने ली थी ना, अभी आप लोग बोल रहे थे येलो येलो कितना पहनेगी नाजिया, कलर चेंज करके पहनो कुर्ती का, तो मैंने ये ऑरेंज वाली पहन ली। ये नहीं क्या ब्लू पाइपिंग के साथ मैंने ब्लू दुपट्टा और ब्लू प्लाजो ली थी, वो है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सुबह से मैं काम में जुड़ी हुई थी अपने घर के, अभी फाइनली मैं फारिग हुई हूँ और ये लाइन फिर से आ रही है, दिख रही है क्या आप लोगों को। और मैंने नोज़ पिन चेंज कर दी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत प्यार से मुझे बोलते हैं मेरी फिक्र में कि आप दांत का डॉक्टर चेंज कर लीजिए, तो आप लोग सही बोलते हैं, दांत का डॉक्टर मुझे चेंज करना चाहिए। लेकिन अभी मेरे मुंह में बहुत दर्द है इसलिए मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया था, बहुत अनबेरेबल पेन है इसलिए कल भी व्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन मैंने आज व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, देखते कहाँ तक पहुँचते, कहाँ तक जाता है ये व्लॉग, ठीक है। तो हाँ, दांत के डॉक्टर को चेंज करने का तो ऐसा है ना, आज से 1.5 साल पहले, 1.5 साल नहीं उससे ज़्यादा हो गया, उसमें जब 5 महीने की थी ना तभी मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और मेरे 6 दांत का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 6 दांत का कैप के साथ, रूट कनाल और कैप के साथ पूरे पैसे पेड कर दी थी वो डॉक्टर को। मैं बहुत बड़ी पागल थी, मैंने सोचा अभी हाथ में पैसे है दांत का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मैं ये पैसे अगर घर में रखूँगी तो खर्चे हो जाएंगे, ये सोच के मैंने डॉक्टर को दे दिया था। अब डॉक्टर इलाज ऐसा कर रहे हैं कि मुझे आराम नहीं पड़ रहा और वो पैसा वापस कर नहीं सकते क्योंकि जो हॉस्पिटल में मैंने पेड किया था वो वहाँ से काम छोड़ चुकी है, तो मैं किसका गला पकड़ूँ।
तो वो डॉक्टर बदल बदल के मेरे लिए लेकर आ रही है, क्योंकि वो मैंने उनको बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मेरे दांत को कैसे ठीक करोगे। तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मेरा मुंह दिखा रही है, मेरा दांत दिखा रही है, लेकिन फिर भी आराम नहीं पड़ रहा है। बोलने का मकसद यही है, थोड़ा मतलब समझ सकते हैं आप। फर्स्ट रूट कनाल रॉन्ग हुआ, 6 दांत का, फिर रिपीट वो 6 दांत का सेकंड रूट कनाल हुआ, वो भी रॉन्ग हुआ, फिर थर्ड रूट कनाल रिपीट वो 6 दांत का, वो भी रॉन्ग हुआ। ऐसे करते करते चौथी बारी में 6 दांत में से 4 दांत निकाल दिए गए। अब बचे 2 रूट कनाल के दांत, वो रोके गए हैं क्योंकि वो भी निकालना है, लेकिन अगर वो दोनों निकाल देंगे तो मैं कैसे खाऊंगी, एक भी दांत बेस नहीं रहेगा खाने के लिए। वो दांत को नहीं निकाले और अभी अक्कल दाढ़ में परेशानी है, तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। बोलने का मकसद यही है कि मैं अभी डॉक्टर चेंज नहीं कर सकती। आज से 1.5 साल पहले मैंने डॉक्टर को 35 से 40 हज़ार रुपये दिए थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जैसे नई चीज़ नया दांत का रूट कनाल होता है ना, तो कैप के साथ उसके 5 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन उसका रीआरसी करना होगा तो डबल पैसे लगते हैं। मैं गई थी दूसरे डॉक्टर के पास अपना दांत दिखाने के लिए, तो एक दांत का 6 से 8 हज़ार रुपया बोल रहे हैं। तो अब मेरी इतनी कंडीशन नहीं है, वो 6 7 8 जितने दांत मेरे अभी ख़राब है, मैं दूसरे दांत डॉक्टर से रिपीट करवाऊँ, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मेरे पास नहीं है दूसरे डॉक्टर को पेड करने के लिए। इसी को बोला है कि आपने ख़राब किया मेरा ट्रीटमेंट, तो आपका काम है इसको ठीक करना। वो अलग बात है कि हो नहीं पा रहा है, अभी भी नहीं हो पा रहा, हो नहीं पा रहा है, करेंगे धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि नहीं, नॉर्मल 200 रुपये का कपड़ा ले लो या 500 रुपये का कपड़ा ले लो, एक टेलर को बोल दो भाई इसको सी के दे दे, बंदा सी के दे देता 250 रुपये में, लेकिन उसी को अल्टर करने बोलो, खोल के सी बोले तो 250 में नहीं सीता, वो अल्ट्रेशन फिर 400 500 में जाता, वही हो गया मेरी दांत की हालत, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। अब मैंने ये खुल के इसलिए बोला क्योंकि आप लोग बहुत फिक्र करते हो मेरी, बहुत बोलते हो मुझे नाज़िया डॉक्टर चेंज कर दो, नाज़िया डॉक्टर चेंज कर दो। कभी कभी आप लोग सोचते भी होंगे नाज़िया को इतना बोलने के बाद नाज़िया डॉक्टर क्यों नहीं चेंज कर रही, तो नाज़िया डॉक्टर इसलिए नहीं चेंज कर रही है क्योंकि 3 से 4 गुना पैसा मुझे दूसरे डॉक्टर को देना पड़ेगा एक दांत के पीछे, जो कि मेरे पास नहीं है। जिसने ख़राब किया वही ठीक करेगी, ऐसा है। अभी मैं इतना तैयार होके कहाँ जा रही, सोच रहेंगे आप लोग क्यों इतना तैयार हुई, सुबह में तो मैक्सी में घूम रही थी तो मैं जा रही हूँ बाहर ज़रा कुछ काम से, और आज भी जाना है मुझे रात को 9:30 10 बजे के टाइम पे डॉक्टर आएगी, वो यहाँ पे मालोनी में। मेरे को जो हम मोतिया लगाए थे ना बाइट चेंज करने के लिए, हाँ, तो वो भी क्वेश्चन आया था ये मोती क्यों लगाए हैं, तो ये मोती इसलिए लगाए हैं क्योंकि 1.5 साल से जो मेरे दांत का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये दूसरी बार लगे हुआ है, पहली बार नहीं। तो जब दांत निकालते हैं, दांत को घिसते हैं रूट कनाल के बाद, दांत छोटे हो जाते हैं, तो हमारा मुंह, जब पहले मेरा मुंह ऐसा खुलता था, खोल खोल के चपटा हो के मेरा मुंह यहाँ से दब गया, ऐसा चप बैठ गया, तो आगे से दांत पे मोती लगाते तो मुंह थोड़ा कुछ एम बढ़ता है, तो उससे कैप लगाने को जगह बनती, अभी मुंह में कैप लगाने को जगह नहीं है, और हड्डी पे हड्डी बैठ जाती ना, बाइट बैठ जाता बोल के, तो ये सब दर्द पकड़ लेता, तो वो बाइट को उठाने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मोती लगता है, जिस वजह से ये जो कान पट्टी है ना, इसका पेन थोड़ा कम होता 15 दिन के बाद, क्योंकि वो 15 दिन में मुझे आदत डालनी पड़ती है कि मुझे अब इस तरह से रहना है। तो ये मोती लगाने के बाद 15 दिन बहुत दर्द होता है, जब आदत हो जाती है हाँ मुझे इस तरह से रहना है, तो 15 दिन के बाद मुझे ठीक लगता है, लेकिन फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर बाइट बढ़ जाता है, फिर बाइट उठाते, फिर ट्रीटमेंट, यही चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आज मैंने ये इसलिए बताई क्योंकि आप लोग बहुत फिक्र करते हो मेरी, शुक्रिया, लेकिन मैं चाह के भी डॉक्टर नहीं चेंज कर सकती, ऐसा हो गया। चलिए फिर मैं बाहर जाके आती हूँ, मार्केट वगैरह जहाँ जा रही हूँ आके मिलती हूँ आप लोगों से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज शाम में बाहर जाने वाली हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, लेकिन डॉक्टर का टाइम ही कुछ अलग है। डॉक्टर का टाइम, डॉक्टर ने बोले कि मैं कॉल करूँगी आपको मैं कब आऊँगी, और मुझे 2 3 काम और भी करने थे, जिसमें से 2 काम हो चुके हैं और 1 काम अभी बाकी है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, 1 नंबर जहाँ पे हम लोग बहुत पहले पिया करते थे, तो कॉफ़ी पी के हम जाएंगे फ्रिज देखने। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे फ्रिज शॉप में, ये सहारा फ्रिज मतलब इलेक्ट्रिक शॉप हम लोगों के इधर पे नया खुला है, जब बाबू एडमिट थे ना तभी ये खुला था, 1 नंबर कच्चा रोड बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वही फ्रिज देख रही हूँ जो मैंने मतलब अमेज़ॉन पे देखी थी, बट ये साइज़ थोड़ा बड़ा, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है, 10 हज़ार ज़्यादा भी बता रहे,
अमेज़ॉन पे मैंने फ्रिज देखी थी एलजी की, जो 24,000 समथिंग 900 या कुछ तो थी। तो यहाँ पे मैं वही सेम फ्रिज ढूंढने आई थी कि यार मतलब नज़र के सामने से देख के ले लूँगी, अमेज़ॉन से कभी मंगाई कुछ ऊपर नीचे रह गया, ऑनलाइन इतनी बड़ी चीज़ मंगाने थोड़ा डर रही थी। तो यहाँ पे वो फ्रिज है ही नहीं, यहाँ पे वही सेम फ्रिज है लेकिन डबल लीटर में, मतलब 360 लीटर में, और मुझे चाहिए था 250 लीटर, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं अभी कहाँ से बाय करना है। तो ऐसा, और यहाँ पे अभी अम्मी के इधर आई हूँ मैं, तो अम्मी यहाँ पे बाज़ार समेट रहे, मतलब वो तो बाज़ार जाते हैं ना, बाज़ार से आए बाज़ार समेट रहे, 7:45 का टाइम हो रहा है, अम्मी यहाँ पे बाज़ार लगा रहे, जीनत वहाँ पे रोटी बना रही है, और अम्मी ने यहाँ पे साथ ही साथ कोतमीर मसाले सब काट लिए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, और उज़मा यहाँ पे खेल रही है एज़ यूजुअल, वो अपने कामों में मशगूल है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ अम्मी की रेसिपी शेयर करूँगी, ऐसा मैंने सोची हूँ। तो अम्मी बनाने वाले हैं अभी फरज बीन्स की सब्ज़ी, और यहाँ पे बन रही है फिश, मच्छी बनने वाली है, मच्छी फ्राई होने वाली है। तो देखिए अम्मी है ना मच्छी फ्राई कर रहे थे यहाँ पे, मुझे बोले बेटा खाना खा के जा, मैं बोली ठीक है, खाना खाने की फुल इरादे में थी मच्छी देखने के बाद। तो और ये जो तवा आपने देखा ना, ये सिर्फ फ्राई के लिए यूज़ होता है, ये तवा और किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता, क्योंकि तेल की वजह से ना तवे अपना कलर ऐसे ही कर लेते, तो सिर्फ फ्राई के लिए अम्मी रखते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी, अम्मी ने सब्ज़ी तो काट ली है फ्रेंच बीन्स की, साथ ही साथ टमाटर काट लिए है, ऑनियन काट लिए हैं, और बाकी जो बचा हुआ टमाटर और काट रहे अम्मी। तो ऐसा है, यहाँ पे अम्मी ने कढ़ाई में तेल ऐड कर लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है अम्मी की सब्ज़ी में, मैं तड़के के अंदर डालती हूँ राई और कड़ी पत्ता, लेकिन अम्मी मेरी नानी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका तड़का कुछ अलग ही होता था, मेथी, उड़द की दाल, कलौंजी, राई, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डालते थे, बट मेरी अम्मी यहाँ पे सिर्फ कलौंजी डालते तड़के में, कलौंजी और कड़ी पत्ता। कलौंजी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, अम्मी मुझे भी अक्सर बोलते रहते कलौंजी खा। मैंने एक पैकेट ला के रखी हूँ लेकिन अभी तक इसको खोला भी नहीं है मैंने। तो ऐसा, और यहाँ पे तड़का होने के बाद अम्मी ने उसमें ऐड किए ऑनियन, थोड़ा कच्चा पक्का हो जाएगा, तो उसके बाद अम्मी इसमें ऐड करेंगे हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, और वो थोड़ा पका लेने के बाद अम्मी उसके अंदर भाजी डालेंगे। और यहाँ पे उज़मा उसकी खाला के साथ खाना खाने की कोशिश कर रही है, मतलब जीनत तो उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो खा नहीं रही है, और अम्मी हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, वो तुझे देख के नाटक करती है ना, जो जब तक वो खाना नहीं खाती है तो सामने मत आया कर। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और यही होता है, वो मेरे हाथ से भी खाना पेट भर के नहीं खाती और मुझे देख के भी नाटक करती है, ये तो बात सही है। और यहाँ पे मैं अम्मी की पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि डॉक्टर का कॉल आ गया था। तो अम्मी ने यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्ची के बाद भाजी डाले, और भाजी के बाद टमाटर ऐड किए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक के पकाए, भाजी तैयार हो जाएगी। मुझे रेसिपी दिखाते दिखाते भाग के हॉस्पिटल आना पड़ा, हाँ अर्जेंटली डॉक्टर का कॉल आया, जो पेन से मैं सफ़र कर रही हूँ ना 2 दिन से, वो पेन अनबेरेबल हो गया एकदम। तो डॉक्टर को मैंने बोला था जल्दी आके मेरा जल्दी से जल्दी वो कुछ करो उसका, तो डॉक्टर आ रहे, तो मैं अभी बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। सो फाइनली मैं डॉक्टर के इधर से आ चुकी हूँ, अब भी आई हूँ घर पे, लेकिन मेरे चेहरे पे ऐसी कोई शिकंत नहीं दिखेगी आप लोगों को। कि मुझे दर्द हो रहा है रिमोट का, 11 बज रहे रात के, ये देख सकते आप। उज़्मा को लेने के लिए अब्बा उसके गए हैं नानी के इधर, उसके उज़्मा को लेके आएंगे, तब तक के मैं यहाँ लगा रही हूँ बिग बॉस सुन चुका है मेरा 105, हाँ चालू है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से बिग बॉस देखने के बाद, इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज मैं अभी टाटा बोल देती हूँ आप लोगों को। कल अभी सब तक ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, और चैनल पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय। तो जैसे कि आप जानते हो मैं हॉस्पिटल अकेले बाबू के साथ गई थी, उज़्मा को लेके हम लोग नहीं गए थे, उज़्मा वहाँ खाना खा रही थी, और उतने में ही हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ा था क्योंकि डॉक्टर का कॉल आ गया था। तो उज़्मा अभी आई है, पीछे पीछे बाबू ने उसको लेके आए हैं, तो वो आते साथ उसका कपड़ा मैं चेंज कर दी क्योंकि अब उसने खाना खा के आई है तो उसको नींद आ रही है, तो मैं बोली ठीक है उसका कपड़ा वगैरह चेंज कर देती हूँ, थोड़ा कम्फर्टेबल कर देती हूँ। डॉक्टर के पास आज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि 3-4 दर्द एक साथ, एक तो ज़बान का अल्सर, 2-2 रूट कनाल का पेन, ऊपर से जो कैप उन्होंने लगाए थे वो कैप है ना हार्श हो गया था जिस वजह से ज़बान कट रही थी, मतलब 3-4 पेन अलग अलग मेरे मुंह में घूम रहे थे, तो मैं जाके कैप निकाल के आ गई आज। तो ऐसा है।
चॉकलेट का डब्बा किधर है? चॉकलेट का डब्बा किधर है? जल्दी दे, डब्बा किधर है? चॉकलेट किधर है? पानी डाली थी तू चॉकलेट के डब्बे में? पानी डाली थी? पूरा कलर छोड़ दी थी चॉकलेट के डब्बे में? पानी कहाँ से आया? हाँ चलो वीडियो कर ला, कुछ बोलो, चलो चलो सबको अल्लाह बोलो, हम लोग ब्लॉग बंद कर रहे, बोलो जल्दी जी, बोलो ब्लॉग बंद कर रहे हम लोग जल्दी, सुनी तू जो चला जा मेरी बेटी आ गई, उसमें अल्लाह फिर बोल दे बाय। खाना खाए क्या? कुछ खाना खाए क्या आप लोग? उसमें अम्मी को दांत में कैसा दुखता, कैसा बता दे, कैसा दुखता अम्मी को, ऐसा बता दे अम्मी को, कैसे दांत में घुसता उधर लोग को बता। और कैसे करती अम्मी जब दुखता है तो? कैसे करती अम्मी को जब दुखता है तो? अम्मी कैसे करती, कैसे करती? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, चलो बोलो हम लोग कल मिलेंगे आपसे, बोलो कल मिलेंगे आपसे। अम्मी की आधी रेसिपी को मैंने पूरा करके समझा दी, अरे एक्चुअली बीच में ही फोन आ गया तो मुझे भागना पड़ा था, ऐसा है। चलिए ऑर्डर दे दिए खिचड़ी का, खिचड़ी आ रही है, खिचड़ी खाएंगे और बाबू के लिए तंदूरी चिकन। अरे अल्लाह उसमें ये क्या किए, तंदूरी चिकन और खिचड़ी, मेरे लिए खिचड़ी बेटर है और उनके लिए तंदूरी चिकन और खिचड़ी किया। अभी आप लोग सोचेंगे मैंने घर में क्यों नहीं बनाई, तो है ना चावल एक्चुअली ना खत्म हो गया, मुझे राशन ऑर्डर करना है, राशन नहीं है अभी घर में, तो मैंने बोला चलो आज ऐसी मंगा खा लेते। चलिए फिर मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखना, अपने दुआओं में याद रखना, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब करना, उसमें अल्लाह हाफिज, उसमें अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, लाइक करना, लाइक 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 लाइक, एक डांस करके दिखा दो डांस, जॉनी जॉनी हाँ चोरी चोरी हाँ चोरी बोली चोरी बोली चोरी 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 चोरी, चलो अल्लाह हाफिज़ बाय।